हिरम, कहाँ खोई हुई हो तुम? हम डिनर पर आए हैं, तुमने कॉफी मंगवा ली। खाने को ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा। आपको कुछ खाना है तो आप मंगवा लें। आखिर बात क्या है? जब से तुम आई हो तब से बस खामोश हो। मान, do you really love me? तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नहीं करता, सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। अरे इरम, मजाक कर रहा था बाबा। ये मजाक है? I really love you and you know this. अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो मैं आज इस तरह तुम्हारे साथ बैठा नहीं होता यहाँ पर। बताओ ना, what's wrong with you? जब भी मैंने तुम्हें देखा है तुम खुश नजर आई हो, especially जब मुझसे मिलती हो। और इरम, तुम मुझे हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। Now please tell me. मामा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। अपने किसी दोस्त के बेटे को मेरे लिए पसंद कर चुके हैं वो तो। क्या? जी। ये क्या कह रही हो तुम? इरम, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं जितना जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजता हूँ। प्लीज मामा, प्लीज। I promise, I will. क्या करूँ मैं? Just relax. जी अम्मी, अपनी सास से बात कर ली थी मैंने। उनके कानों में मोमना के लिए बात डाल दी है। मेरी बहन मेरी देवरानी बन जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मेरी बहन की शादी अगर नौमान से हो गई ना तो ऐश हो जाएंगे उसके। पाकिस्तान में हमारा सारा बिजनेस नौमान देखता है। मेरी बहन के होते हुए कोई और लड़की नौमान की कमाई पर राज क्यों करे? अम्मी आ जाओ। आओ बेटा, आओ। ये आपके लिए चाय। जीती रहो बेटा, रख दो इधर। अम्मी, मेरी अम्मी ने कुछ ड्रेसेस भिजवाए थे मेरे लिए और ये आपके लिए है। अरे मेरे लिए क्यों? इतना तकल्लुफ करती है तुम्हारी वालिदा, उनको मना करो ना, हर वक्त कुछ ना कुछ तोहफा भिजवाती रहती है मेरे लिए। अम्मी मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आप में उन्हें अपनी मरहूम बहन की झलक नजर आती है। बहुत प्यार है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी मोहब्बत करती है तुम्हारी अम्मी मुझसे। अच्छा, वो अदनान का फोन आया था, खैरियत से है ना बच्चा? जी अम्मी, अदनान का फोन आया था और आपसे बात करना चाह रहे थे मगर आप सो रही थी। अरे तो मुझे उठा देती ना। अम्मी इतनी मुश्किल से तो आपको नींद आती है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अदनान बता रहे थे कि अमेरिका में सर्दी अपने उरूज पर है। हाँ भाई, पिछले साल इसी मौसम में तो उसने बुलाया था मुझे अपने पास। तौबा, क्या गजब की सर्दी पड़ती है वहाँ। भाई हमें तो अपना मुल्क ही भला, तुम चली जाया करो उसके पास। जी अम्मी, बस एक बार मेरी देवरानी आ जाए इस घर में, फिर सब कुछ उसके हैंड ओवर करके आराम सुकून से जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी वो क्या, बोलो ना। मैंने आपसे बात की थी ना मोमना के मुतल्लिक। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की थी, बहुत खुश हुए। कहने लगे हमें क्या एतराज हो सकता है भला,
घर की बच्ची है, देखी भाली है, और क्या चाहिए। जी ठीक है, फिर मैं अम्मी से बात करती हूँ और नौमान और मोमना की मंगनी की डेट रख लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी अम्मी से बात ना करो, मैं जरा नौमान से उसकी मर्जी पता कर लूँ ना, उसके बाद बता देना अपनी अम्मी को। अरे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें, जी यकीन है नौमान बिल्कुल इनकार नहीं करेगा, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी बहन को ब्याह कर लाएंगे इस घर में। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, मैं जरा किचन में देखती हूँ मीरा ने कुछ काम ना गड़बड़ किया हो। बेटा अच्छा तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त तुम्हें याद कर रही थी? वो तो तुमने सुना होगा ना कि दिल को दिल से राह होती है, तुमने याद किया और मैंने तुम्हें कॉल कर ली। बहुत बातें बनाना आ गई तुम्हें वैसे, है ना, बिल्कुल मजनू होते जा रहे हो। बस मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया करो तुम, तुम्हें तो कदर करनी चाहिए मुझ जैसे बंदे की। अम्मी से बात की है अपनी? नहीं यार, वो जब मैं घर आया तो अम्मी सो गई थी, वो उठती है ना तो मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, भरोसा रखो मुझ पर। अब मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ जी अम्मी। कहीं जा रहे हो? बस वो दोस्तों के साथ प्लान। कुछ ज्यादा उठना बैठना नहीं हो क्या तुम्हारा आजकल दोस्तों में? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे पाँव में शादी की बेड़ियाँ डाल ही दूँ। बीवी घर में होगी तो टिक्के तो बैठोगे कभी, हैं? वैसे अम्मी आइडिया बुरा नहीं है। नहीं है ना, चलो आओ बैठो, बात करती हूँ तुमसे। कई दिन से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम टाइम ही नहीं देते हो घर पर। कही अम्मी। वो सरेश है ना, अपनी बहन मोमिना की बात कर रही थी तुम्हारे लिए। सोचती हूँ कि लड़की अच्छी है, फिर दोनों बहनें एक साथ एक घर में रहेंगी तो आइंदा कभी लड़ाई झगड़े का भी इम्कान नहीं होगा, है ना? और फिर तुम दोनों भाई एक साथ एक घर में रहोगे मेरी आंखों के सामने, जाहिर है मुझे सुकून रहेगा। अम्मी मैं मोमिना से शादी नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा देखो, मैं अभी तो जवाब नहीं मांग रही हूँ ना तुमसे, तुम ऐसा करो कि एक दो दिन या एक दो हफ्ते लगा लो, सोच लो और कर लो, फिर उसके बाद मुझे जवाब दे देना। नहीं अम्मी, वो आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। एक्चुअली वो मैं किसी और को पसंद करता हूं। क्या? जी देख ले अम्मी, गैर तो फिर गैर ही होते हैं, वैसे भी हम उन लोगों को नहीं जानते, आगे जाके क्या पता कैसे निकले। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम बेटा, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है भाई, लोग अंदर से कुछ और होते हैं बाहर से कुछ और। और अदनान को जब से मैंने इस बारे में बताया है बहुत परेशान है वो, कह रहे थे अम्मी लोगों से इसके बारे में बात करो, उन्हें समझाओ, क्यों इस तरह अनजान लोगों में रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं है। तो मेरा दिल कब मानता है बेटा, बस नुमान की जिद है ये, उस लड़की के अलावा किसी और का नाम सुनने का रवादार नहीं है। बेटा जान पहचान तो मिलने जुलने से होती है, मेरा ख्याल है कि अपना पहले मंगनी कर देते हैं और शादी के लिए थोड़ा वक्त ले लेते हैं, दोनों खानदानों के लोग आपस में मिले जुलेंगे तो हमारे दिल को भी इत्मीनान होगा। क्यों ज़ुबैदा बेगम, क्या ख्याल है तुम्हारा? अबू दो चार बार मिलने से क्या पता चलता है, वैसे तो हर कोई अच्छे तरीके से ही मिलता है। अबू
प्लीज आप घर के बड़े हैं, आप नुमान से बात करें, उसे समझाएं, तो आपकी बात हो सकता है मान जाए। पता नहीं क्यों इस रिश्ते को लेकर मेरे दिल में तो अजीब सा खटका लगा हुआ है। ये सारे खटके बेबुनियाद है। इरम एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आप सब लोग सुन लें कि मेरा यही आखिरी फैसला है। अरे नौमान बेटा आओ बैठो चाय पियो। अरे नौमान देख रहे हैं आप अपने बेटे की बातें? अरे बेटे की जिद है तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में क्या हर्ज है, जिंदगी उसने गुजारनी है। वैसे भी हमें अपनी औलादों की खुशी का ख्याल रखना है। अल्लाह पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई जो आपका दिल चाहे कर ले। तो फिर तुम आज ही इरम के घर वालों से बात करो ने? जी अम्मी हम बस निकलने ही वाले हैं। क्या करूं अम्मी, मैंने तो इतनी कोशिश की कि नौमान मोमिना के लिए मान जाए, लेकिन ये लड़का इसकी जिद के आगे तो अम्मी अबू ने भी हार मान ली। आप परेशान मत हो, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी भी उसी लड़की से होगी। इस घर में शादी करके आएगी तो सिर्फ मेरी बहन, इस लड़की का पत्ता तो मैं चुटकियों में साफ करवा दूंगी। नौमान तो अभी से इस लड़की के पीछे लट्टू हो गया है, कल को बहू बनकर इस घर में आ गई तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। जल्दी से सामान रखवाओ और देख लेना बाकी सामान भी अच्छी तरह से ड्राइवर ने रख दिया कि नहीं, संभाल के। सरेश बेटा चले। जी अम्मी। अम्मी ये सब सामान कुछ ज्यादा नहीं है, अभी तो सिर्फ मंगनी करने जा रहे हैं। नहीं बेटा मेरे ख्याल से तो ज्वेलरी सेट्स कम है, तुम्हें याद है तुम्हारी मंगनी में 5 सेट्स लेके गए थे हम, वो सब जल्दी थी तो बहुत कम तैयारी हो सकी इस वक्त। जी अम्मी। अरे भाई क्यों इतनी देर लगा दी, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए आप लोग? अरे आपको नजर नहीं आ रहा हम लोग तो तैयार खड़े हैं, आपके बेटे साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर, तैयारी नहीं होके दे रहे। नौमान नौमान, अरे तुम लोगों ने मंगनी की तैयारी में इतना टाइम लगा दिया तो शादी वाले दिन क्या होगा? भाई मैं तो कहता हूँ कि शादी वाले दिन सुबह से तैयारी शुरू कर दें। चलते, आपने फ्रूट्स के टोकरे रखवा दिए? अरे बेगम साहबा मैंने सारी चीजें पहले ही गाड़ी में रखवा दी हैं। अब चले ना, देर हो रही है, उन लोगों का फोन भी आया था पूछ रहे थे कि कब आएंगे, तो मैंने कहा बस निकल रहे हैं पहुंच जाएंगे आप तक, चले गाड़ी में बैठते हैं, नौमान आ जाएगा। बुलाएं उसको, नौमान को आवाज तो दे। अरे नौमान, अरे नौमान जल्दी से आ जाओ, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। बेटे फूलों का गहना तो रख लिया था ना? अरे हाँ मैंने कंगन अलग से रखे थे, वो रख लिए तुमने उसके साथ? जी अम्मी रख लिए। और वो मंगनी की अंगूठी मैंने कहा था संभाल के रख लो। जी मैंने संभाल के अपने पर्स में रख लिए, आप कहें तो आपको दे दूं? नहीं नहीं अपने पास ही रखो, जब मंगनी का वक्त हो तो मुझे दे देना। बेगम साहबा कोई चीज और रह गई है तो वो भी पूछ ले, मुझे तो लगता है सारे रस्ते आप एक एक चीज का पूछेंगी। अरे अच्छा है ना, अभी घर के घर में कोई चीज रह गई तो ले लेंगे, रास्ते में होंगे तो कैसे लेंगे। बाबा क्या अकलमंदी की बात की है आपने, भाई मुझे तो फख्र है कि आप जैसी अकलमंद खातून के साथ मैंने शादी की है। वैसे बाबा आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते अम्मी को तंग करने का। हा? बेटा जिंदगी का लुत्फ ही तुम्हारी माँ को तंग करने में है, वैसे तुम कुछ जल्दी तैयार नहीं हो गए? अच्छा मुझे तो लगा मैं टाइम से तैयार हुआ हूँ। अरे ये तो फोन आ रहा है। फोन आ रहा है, लेट भी तो हो गए। हेलो जी जी, बस बस हम रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं आपकी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे तो लगता है तुमसे ज्यादा तुम्हारे अब्बू को जल्दी है उनके घर पहुंचने की। वैसे अम्मी बाबा पर ना खास नजर रखिएगा, पता चला वहाँ किसी और को। खैरियत बाबा? क्या हो गया? क्या हुआ? सीने में अचानक हाँ दर्द। बाबा
पानी लेकर आए, कोई पानी लेकर आओ। अबू क्या हो गया? बाबा आंखें खोले, आंखें तो खुली हैं। आंखें खोले, क्या हो गया बाबा? बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो। मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे मुझे अकेला छोड़ के चले गए, इतने बरसों का साथ ऐसे अचानक कैसे? मम्मी प्लीज सबर करें, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब्बू इस तरह अचानक। हम सब कितने खुश थे, सब खेखे लगा रहे थे, और वैसे नहीं 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 मुझे नहीं जीना उनके बगैर, मुझे भी उनके पास लेके चलो। मम्मी प्लीज, मम्मी संभालें खुद को, आप ही तो हमारा सहारा है, आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? ये कैसी आफत टूट पड़ी है हम पे, मेरा कलेजा फट जाएगा बेटा। अम्मी बस, हम तो तुम्हारी मंगनी करने के लिए जा रहे थे, क्या हो गया, क्या हो गया? अल्लाह जो अल्लाह को मंजूर, बस बच्चा नान वहां पे कितना तड़प रहा हो यहाँ आने के लिए। तुमने बाप का चेहरा दिखा दिया था ना उसको? अल्लाह जी, मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी और उन्होंने अर्जेंट टिकट करवाने की कोशिश भी की लेकिन फ्लाइट सारी फुल है। I know, मेरे घर की तो सारी खुशियां ही खत्म हो गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सम्मी बस मत रो, बस इस तरह की तबीयत खराब हो जाएगी। आपके अलावा हमारा है बस। बस प्लीज, बस प्लीज हौसला रखें। अम्मी क्या करो बेटा, अरे अब्बू के बगैर जीने को दिल नहीं चाहता, चाहते मैं भी उनके पास चली जाऊं। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी प्लीज हौसला रखें, देखा मेरे दिल में उस लड़की के लिए सही खटका था, मगर नौमान, नौमान ने एक ना सुनी। अभी तो सिर्फ मंगनी करने जा रहे थे कि ये हादसा हो गया। वो लड़की तो हमारे खानदान के लिए बहुत ही मनहूस है, उसके और हमारे सितारे तो बिल्कुल नहीं मिलते। न जाने जब उसको रुख्सत करवाने जाएंगे तो फिर कौन? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अल्लाह ना करे। मेरी भी यही दुआ है अम्मी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, मगर किसी की नहुसत को आप या मैं टाल तो नहीं सकते ना। बस अम्मी कुछ भी करके इस रिश्ते को खत्म करवाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा, मेरे दिल तो पहले ही घबरा रहा था इस रिश्ते से, मुझे लग रहा था कुछ अनहोनी सी होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। देखा अम्मी, आपकी छठी हिस ने आपको बता दिया था मगर आप नहीं समझी। क्या करती अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर थी बेटा? नौमान तो ना समझ है, नादान है, मगर अम्मी आप तो हर बात को समझती हैं ना। आप अभी भी कहेंगी ना तो मैं अम्मी से मोमिना के रिश्ते की बात कर लूंगी। अम्मी को मनाना मेरा काम है, बस हमारे घर से उस लड़की की नहुसत दूर हो जानी चाहिए। कुछ भी करें अम्मी, नौमान के साथ उस लड़की के रिश्ते को खत्म करवाएं बस। बाबा के जाने के बाद तो घर में रौनक जैसे खत्म ही हो गई है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। घर इतना सूना हो गया है। अंकल की शख्सियत वाकई
बहुत जिंदा दिल थी। कितनी मोहब्बत दी थी इन्होंने मुझे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली दफा मिल रही थी उनसे। वो सबसे इतनी ही मोहब्बत से मिलते थे, जहां भी जाते थे सबको अपना गर्विदा कर लेते थे। पता नहीं बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए। नुमान, मैं अब अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो बेचारी अकेली हो गई है इस दुनिया में, तुम लोगों के अलावा तो उनका कोई है भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अम्मी के साथ गुजारो, ऑफिस से भी जल्दी आ जाता। I really wish कि मैं कुछ कर सकती तुम लोगों के लिए यार। तुम जब इस घर की बहू बनोगी ना, इस मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, I promise. Thank you. अम्मी, अब तो आपकी इद्दत भी खत्म हो गई है। मेरी कल ही अम्मी से बात हो रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि कब आ रही हो अपनी सास को लेकर। बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ, मेरे नुमान से बात तो कर लो, फिर चलेंगे तुम्हारे घर मिठाई लेके। ले, नुमान भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। इधर रखें और चले मेरे साथ, मैं आपको बाहर लेके जाना चाहता हूँ, घूमने चलते। नहीं बेटा, मेरा कहीं आने जाने को दिल नहीं चाहता, मैं अपने घर में ही ठीक। अम्मी ये क्या बात हुई, प्लीज चले ना। अच्छा एक काम करते हैं, मेरम के घर चलते हैं, उसकी अम्मी भी आपसे मिलना चाह रही थी, और शादी की तारीख भी ले आते हैं। नुमान बेटा, उन लोगों को मना कर दो, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब मैं क्या कह रही हूँ, तुमने देखा नहीं क्या हुआ हमारे साथ, क्या हादसा हुआ इतना बड़ा, मेरा सुहाग उजड़ गया, तुमने अपने बाप को खो दिया, और तुम मुझसे पूछो क्यों कह रही हो मैं ये बात। अम्मी अब्बू की डेथ में इरम का या उसके घर वालों का क्या कसूर है? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है नुमान, वो लड़की सब्ज कदम है, नहुसत का साया है उस पर, उसके इस घर में आने से इस घर पर भी नहुसत का साया पड़ेगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं नहीं मानता इन फजूल बातों को। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया ना। भाभी मुसीबतें तकलीफें और खुशियां अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और अम्मी जहां तक अब्बू के इस दुनिया से जाने का सवाल है, उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, ये सारे फैसले अल्लाह के हैं। नुमान तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है, मोमिना इस घर की बहू बनेगी। अम्मी इरम बिल्कुल बेगुनाह है, और मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगा, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, और अगर अगर आपने मेरी इरम से शादी नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम अपनी देवा माँ को धमकी दे रहे हो? अम्मी मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, वादा करके निभाना मैंने आप लोगों से ही सीखा है, और एक फजूल से वहम की वजह से मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन याद रखना मैं उस शादी में हरगिज शरीक नहीं हूँ। इससे पहले तो इस घर में कभी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था ना, ये लड़की इस घर के लिए भारी है। जब से हमारी जिंदगी में आई है, हमारे घर में नहुसत बरसने लग गई, न जाने आगे क्या होगा। घर में कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो, सब मेरे ऊपर क्यों आता है, ताने मिलते मुझे मनहूस होने के, क्यों क्यों? इरम मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, अरे इग्नोर किया करो उनकी बातों को। अरे कैसे इग्नोर करूं,
दिल पे लगती हैं, इनकी सारी बातें दिल पे लगती हैं नुमान। काश मैंने तुमसे शादी नहीं की होती। माला